हेलो एवरीवन, मेरे पास एक इंक्वायरी आई है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन को कैसे देखते हैं। आज ये वीडियो उसी पर है कि कैसे पास्ट लाइफ में इन्हें कार्य तत्व पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है, बड़ी बहन को और पत्नी को। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, भाई को और पति को। जुपिटर किसको, एजुकेशन ज्ञान। फाइनेंस को, फाइनेंस का कारक है। सूर्य पिता का कारक है। चंद्रमा माँ का कारक है। बुध कजन ब्रदर्स का कारक है। और केतु हमारे एंसेस्टर्स, उसके बाद कौन, तो शनि अंकल आंट्स। ऐसे करके हम सारे कारक तत्व लेते हैं। और मैं अपनी एग्जांपल ऐसे दे दूँ, मुझे अपनी कुंडली पूरी तरह से याद है। कोई भी प्लैनेट अपने से 12वें घर में हो, आपका पास्ट लाइफ। इसका मैं बताती हूँ कि मेरा धनु लग्न है, पंचम भाव का स्वामी हो गया। मंगल कहाँ बैठा है, अपने से 12वें भाव में। अगर आप गिनोगे ना, अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है, मीन के अंदर। यानी पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन है मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे भाई के साथ। तो अब मैं उनकी कुंडलियों में गई। मेरा सिक्स लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, 8th हाउस वाटर साइन कर्क में। तो मेरे भाई भी कर्क लग्न के हैं और मेरे पति भी कर्क लग्न के हैं। और 5th लॉर्ड बच्चे हो गए, तो मेरे दोनों बच्चे भी कर्क लग्न के हैं। तो कार्क तत्व देखना है। अब जैसे गुरु से शुक्र अगर 12वें भाव के, तो पास्ट लाइफ की बीवी आपकी इस जन्म की बीवी बनेगी। इवन आप डिग्री वाइज तक जाओ, अपने भाव से 12th हाउस में, मान लीजिए किसी का चंद्रमा है, अपने से 12वें भाव में बैठा है, तो पिछले जन्म की माँ ही इस जन्म की माँ बनेगी। तो ये पास्ट लाइफ के कार्य तत्व तो आपने पहले लेने हैं, फिर पास्ट लाइफ का कनेक्शन कैसे ढूंढना है। क्योंकि आप स्टूडेंट्स नहीं हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप आम पब्लिक को आपके सिर्फ आंसर पता होने चाहिए कि क्यों। उसके बाद बदलाव आप नहीं लाना है, किसी और ने नहीं लाना। अगर किसी का भी अपने से 12th हाउस में कार्य तत्व आ जाता है, भाई पति और कोई भी, तो आपका उसके साथ कार्मिक अकाउंट है, आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई पूजा पाठ काम नहीं करेगी। यू हैव टू पे इट, देना ही पड़ेगा आपको। यही कानून है चित्रगुप्त का। चित्रगुप्त, आप यहाँ आंखें बंद करके कुछ भी करते हो, आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा। हर समय जूड़ी बेल्ट घूम रही है हमारे आसपास। इस समय जब भी अपलोड करती हूँ, मैं सच्ची बताऊँ, मैं कुछ नहीं लिख पाती कि चलो पहले ही थोड़ा लिख लूँ और कॉन्सेप्ट तैयार कर लूँ। लेकिन वहाँ से रेज आती हैं और मैं अपने आप बोलती जाती हूँ। तो बाद में जब सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ, मैंने कितना अच्छा बोला, मैंने नहीं बोला। अपने शरीर के अंदर जो है वो क्या है, आत्मा, जीव आत्मा की इच्छा है। जिस दिन इच्छा खत्म होगी, परमात्मा से मिल जाता है। जो अपनी बॉडी के अंदर एक दूसरे को खोजता है, आत्मा कारक को खोजता है, वही मोक्ष है। सडनली अगर मैं प्लेनेट से कोई क्वेश्चन करती हूँ और मुझे उसका आंसर नहीं मिल पाता, तो आप देख लेना 2-3 दिन में मेरे पास वो आंसर अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, कई बार अटक ही जाते हैं, स्टूडेंट है, लर्नर है, और कितने क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसका हमें जवाब नहीं मिल जाता। मैं देखती हूँ प्लैनेट मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मेरे अंदर क्या वो देखते हैं, इसके अंदर जुनून है जानने का, पैशन है जानने का, तो इसको बता दो। कोई भी आप से, आपका प्लैनेट 12th हाउस में है, अपने से 12वें भाव में, तो आपने उसका कारक तत्व लेना है, उसके साथ 6th लॉर्ड देखना है, फिर केतु को देखना है कि आप उसका क्या देने आए हो, और उसे काम को आपने क्लियर करना है। पास्ट लाइफ D60 चार्ट है, जहाँ आप और डेप्थ देख सकते हैं, बाकी नक्षत्र पढ़ते हैं, उसका सब लॉर्ड है, ये पूरी एक डिटेल है। और ये किसी ने पूछा है तो उन्हीं के लिए ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और एक क्वेश्चन, अब ये पास्ट लाइफ का तो आपको बता दी कैसे कनेक्शन दी। एक बच्ची ने मेरे से पूछा था कुछ 2-3 महीने पहले, राहु और सूर्य के ऊपर आप वीडियो बनाई, देखिए करोड़ों वीडियो बनेगी, लेकिन इसका मतलब क्या है। मुझे मतलब पता है, दैट इज वर्ल्डली कर्स्ड। सूर्य इज सूर्य इज पिता,
इसीलिए कहते हैं राहु के साथ अगर सूर्य आता है तो मुझे पितृ दोष लग जाता है, लेकिन ये नहीं कि कहीं किसी भाव में बैठा तो पितृ दोष। 6 से 12 उसके बाद डिग्री पे डिपेंड करता है, राहु के पीछे राहु के आगे। तब ये डिसीजन लेना चाहिए किसके नक्षत्र में है, क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है, लेकिन सेपरेशन ऑफ फादर, फादर से वो बच्चा अलग रहेगा और अंडर कंपल्शन मैरिज फादर के होगी। ये तीन बातें हैं ये अगर सूर्य राहु, और एक्लिप्सिंग का मतलब बार बार मिस्टेक्स करना। सूर्य के पास सबसे ज्यादा पैसा है, सूर्य इज गवर्नमेंट, सूर्य राजा है, राजा आज तो राजा रहे नहीं कोई तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके पास है, सूर्य के पास है, तो वो नोट छापता है। इसलिए जिसका सूर्य वीक होता है तो उसके पास पैसे की हमेशा कमी रहती है, लेकिन सूर्य अगर राहु इकट्ठे तो उस चीज को जिस भाव में बैठे एम्पलीफायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नवांशा में सूर्य शुक्र के साथ, यानी राहु सूर्य शुक्र के साथ नहीं, राहु मेरा शुक्र के साथ है, तो राहु मेरा सिंह लगन में है, राजा के घर में। मेरे मेरी जो परवरिश हुई है वो रानियों की तरह हुई है, राजकुमारियों की तरह हुई है, बहुत लाडों से पली हूँ मैं, पढ़ाई तो आज ही कर रही हूँ तो। लेकिन शुक्र क्या है, ब्यूटी और क्रिएटिविटी और साफ सफाई, और मेरे अंदर सफाई इतनी, ये सफाई का कीड़ा कहते हैं ना वो है अंदर, कि मैं सारा दिन बस ये देखती रहती हूँ, मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं है। क्रिएटिविटी, अपनी प्रेजेंटेशन देना, कैमरे के कैसे आना है, सोसाइटी में कैसे जाना है। बॉर्न इन रोहिणी इज गुड, कि रोहिणी की रिप्रेजेंटेशन पर नमाश कुंडली में ये कंफर्मेशन मिलती है कि राहु के साथ जो शुक्र है वो सिंह राशि में है। सिंह इज अ सूर्य, सूर्य आकर वो उस चीज को एम्पलीफाई करता है, मतलब एक की वजह 100 गुना करके दिखाता है। इसीलिए मैं किसी को बताती हूँ कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरे बेटे बड़े हैं, 24 साल का मेरा बेटा, एक 22 साल का, एक 15 साल। अरे मैं फिर इस बात पे भी लंबी बहस शुरू हो जाती है, वाई, क्योंकि मेरा चंद्रमा वर्गोत्तम है, त्रिपुष्कर योग में है, इसलिए यहाँ इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट शनि डालते हैं और शनि की दृष्टि नहीं है मेरे पे, इसलिए चेंजेस नहीं है। बट वीकनेस के कारण लोग आके कहते हैं मैडम वीक हो गए, वीक हो तो मुझे डर लगने लग जाता है, भैया मुझे डराओ नहीं तो मैं ठीक हो जाऊंगी, सबकी ब्लेसिंग मेरे साथ हैं। तो आज मैंने 2 बातों का जवाब आपका दिया कि कैसे पास्ट लाइफ के कनेक्शन को देखना है, उसका अकाउंट दूर करना है। सेकंड एक्लिप्स, कि अगर सिंपल आप सिर्फ राहु और सूर्य को देखकर ये मत बोलो कि पितृ दोष है, ये है वो है, आपकी डीप डिटेल है, पहले उसका क्वेश्चन शुरू किस भाव के रिगार्डिंग वो पूछ रहा है, उसके बाद ये बातें बतानी, ऐसे नहीं बतानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको आंसर अपने मिल गए हो, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और मैंने कितने दिनों से आप लोगों को मंत्र दिए हैं उसका फीडबैक दीजिए, ताकि एक बार कभी कोई रेमेडी का मैं अच्छा रिजल्ट देखती हूँ, मैं कितने करोड़ों लोगों का भला हो सकता है। दवाई सेम है लेकिन करोड़ों लोगों का भला हो सकता है, और आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ब्लेसिंग करते रहिए, प्रे करते रहिए, मैंने आपसे टाइम मांगा हुआ है 5 नवंबर तक का, एक बार ये ट्रांजेक्शन निकल जाए, मेरी हेल्थ इश्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आनी अपने आप ही शुरू हो जाएगी, गुरु आ जाएंगे कमेंट करने के लिए राहु को, और शनि 20 जनवरी से हट जाएंगे तो मेरे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बिना ब्लेसिंग्स के, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, मेरे को आपके लिए चुना गया है, आपका प्रारब्ध का 40% मेरे अकाउंट में आ जाएगा, अगर आप मंत्र जाप ढंग से नहीं करते हो, रेमेडी नहीं करते हो, क्योंकि आपको तो ये पनिशमेंट मिलनी है। मीडिएटर कौन है मैं जो आपको मैसेज दे रही हूँ, जो बचने का रास्ता बता रही है, तो प्लैनेट उसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मेरी हेल्थ इतनी खराब रहती है। तो आप लोग मेरे लिए प्रे करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डिटेल्स लिखिए, बार बार मत भेजिए, क्योंकि मैंने बोला है ना, अगर मैं 20 दिन तक जवाब नहीं देती तो इसका मतलब स्किप हुआ है, वरना मैं आते ही आप देख लीजिए, कॉपी रजिस्टर मैंने बना के रखा हुआ है, सारी इंक्वायरीज एक एक मेरे पास थी, इसलिए जब दोबारा कोई भेजता है तो मैं देखती हूँ। अभी किसी ने भेजी है, पहले 12:09 उसके 10 मिनट नीचे कम करके भेजिए, तो भी आपका लगन असेंडेड और सबसे ब्लॉड कुछ नहीं बदलेगा, जो है एज इट इज रहेगा। ये मत सोचिए कि मैं आके यहाँ नहीं, मैं 2400 घंटे ये जो कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करती हूँ,
स्टडी करती हूँ, वीडियोस को देखती हूँ, उसके बाद अपने नोट्स बनाती हूँ, उससे मेरी आईज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये किसके लिए आप बताना, मैं तो पढ़ चुकी, मैं तो पा चुकी जो पाना था, और बहुत शांति और धैर्य है मेरे अंदर। कोई अपने आप को पा के मोक्ष तक जा रहा है, मुझे लगता है करोड़ों में से एक का कॉम्बिनेशन है, तो मैं तो दुनिया में लकीस्ट वन हूँ। लेकिन जितना है मैं सोचती हूँ ये ज्ञान आप लोगों में मैसेज के थ्रू बांट जाऊँ, जो सच है आपको बता जाऊँ, ताकि आप ना द्वंद्व युद्ध में मत रहो, एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ो कि हमें क्या रास्ते बनाने हैं, क्या। और इसी तरह मैं योग पर वीडियो बना रही हूँ अब अगली, लेकिन उसके कारणों को आपने समझना है कि खाली पढ़ो नहीं, उसको समझो, उसका मैसेज है। हर चीज अपने ऊपर लागू मत करो, सिर्फ जितना बोला उतना कर लिया तो भी आपका कुछ भी कोई बिगाड़ सकता है। ये मैं रिटर्न में लिख के दे सकती हूँ और लिख के देती भी हूँ और साइन भी करके देती हूँ। वो नहीं हुआ तब मुझे टेंशन होती है कि नहीं, शास्त्र कभी झूठ नहीं हो सकती, मेरी कैलकुलेशन में कोई ना कोई कमी जरूर है, तो फिर से मैं स्टडी शुरू करती हूँ। और आप सबकी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू, अभी तक आपने बहुत सपोर्ट करा, लेकिन आप मेरी वीडियो भी सुनी।